हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ओपन डान क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो जो फिजिक्स का पेपर हुआ था, जिसकी हम सीक्वेंस लेके आ रहे हैं, उसमें जो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, तो सेट बोर्ड 55/4/2 यानी कि सेट नंबर 2 में था, उसका सोल्यूशन देखते हैं। सो वॉट आर मैटर वेव्स? तो सबसे पहले पूछा गया मैटर वेव्स क्या है, तो उसको डिफाइन करते हैं। So it is waves associated with moving particles of matter. It is called matter wave, और इसको हम डी ब्रोगली वेव भी बोल सकते, ठीक है, वेव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैटर वेव हमने डिस्क्राइब किया। अभी यहाँ पे बोला है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल है सेम काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, वो एच बाई पी। ओके, पी यानी मोमेंटम, तो मोमेंटम का हमको फॉर्मूला पता है, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 KM, जहां पे के क्या है, तो के है काइनेटिक एनर्जी। बढ़िया। So wavelength that is equal to h upon under root 2 km. So h तो constant है यहाँ पे, Planck constant. Kinetic energy same दे रखा है यहाँ पे, तो उसका सीधा मतलब ये हुआ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ है जो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। चलिए, तो अभी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटोन which is greater than mass of electron. तो ये बात तो आपको पता ही है कि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो उसका जो मास है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद प्रोटॉन का मास जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो इसका मतलब सबसे कम मास किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का। एंड एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखना है। सो पी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस देन प्रोटोन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको एकदम क्लियर है, तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो।